गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में आपका स्वागत करती हूँ। देखिएगा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में हमने चार पाँच वीडियो बनाए हैं। तो देखिएगा, हमने पिछले वीडियोज़ में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न और उत्तरों के बारे में दो भाग बना लिए हैं और उनमें 15-20 क्वेश्चन हैं। वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखिएगा, इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न और उत्तरों के भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, तांबे की इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो तांबे की इक्का गाड़ी वह हड़प्पा से प्राप्त हुई है। प्रश्न है दूसरा, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन, विद्वानों ने किस हड़प्पाई स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी कहा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी है हड़प्पा, और द्वितीय राजधानी है मोहनजोदड़ो, और तृतीय राजधानी है कालीबंगा। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह अर्थात पतन नगर कहाँ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह या फिर जो पतन नगर है वह लोथल में था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बर्तनों की विशेषताएं क्या थी? तो सिंधु सभ्यता के बर्तनों की विशेषताओं में पकी हुई मिट्टी के बर्तन होते थे तथा इन पर लाल रंग किया जाता था। ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तन हैं उन पे कैसा लाल है, तो वो है कैसा रंग है, तो वो है लाल रंग। ठीक है ना। सिंधु सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी होती थी? ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो सिंधु सभ्यता के शहरों की गलियाँ हैं वो चौड़ी तथा सीधी होती थी। और हड़प्पाई लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पाई लोगों की जो सामाजिक पद्धति है वो कैसी थी? उचित समतावादी। ठीक है ना। हमने पहले वाले वीडियोज में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और आपकी ये जो कृषि संबंधित, पशुपालन संबंधित सब कुछ आपको बताया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो अच्छे से डिटेल वहाँ से देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे, या फिर ऐसे कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता वह कैसी थी? तो वह थी नगरीय सभ्यता, अर्थात शहर में रहने वाले लोग थे, ये ग्रामीण नहीं थी। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? तो सिंधु सभ्यता का आकार वह त्रिभुजाकार था। हड़प्पा नामक नगर के खंडहर किस नदी के किनारे पाए गए हैं? तो हड़प्पा नामक स्थल के जो खंडर हैं या जो साक्ष्य हमें मिले हैं वो रावी नदी के तट पर हैं। सैंधव लोगों के घर किससे बने होते थे? सैंधव लोगों के घर ईंटों के बने होते थे। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक क्या हैं? वो हैं आपकी मुद्राएं। सैंधव प्रदेश का वह एकमात्र नगर जिसमें दुर्ग नहीं था वह चनहुदड़ो। सिंधु सभ्यता की सड़कें किससे बनी हुई थी? सिंधु सभ्यता की सड़कें वो कच्ची ईंटों की बनी हुई थी। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तो देवी माता की पूजा वह सिंधु घाटी सभ्यता में की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? पुरालेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर बताओ? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है हड़प्पा, और हड़प्पा के नाम पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा भी पड़ा है। वो क्यों? हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को? क्योंकि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित खोजा गया
जो पहला शहर है, नगर है, स्थल है, वो है आपका हड़प्पा। इसलिए कई बार पूछ भी लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम कौन सा है, तो वो है आपका है जैसे मोहनजोदड़ो सभ्यता दे दिया, वैदिक सभ्यता दे दिया, हड़प्पा सभ्यता दे दिया, तो वो आपका आएगा हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, सैंधव लोगों की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो लिपि है वो कैसी थी? चित्र प्रधान लिपि, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसको संकेतात्मक लिपि भी कहा जाता है, ठीक है ना, और ये अभी तक पढ़ी नहीं गई है, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है उसको आधे ऐतिहासिक काल में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि इस काल के पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत मिले, लेकिन जो साहित्यिक स्रोत है उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो सैंधव लिपि के बारे में हमने पहले आपको अच्छे से डिटेल से पढ़ाया हुआ है, वहाँ पे आप वीडियोस देखिएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ा है, और एक वीडियो और बनेगा प्रश्नों से रिलेटेड, तो आगे भी आप देखते रहिएगा, और हमारे YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।